स्वागत है दोस्तों। और आज हम कनेक्ट करने जा रहे हैं Beam 430 को अपने लैपटॉप के साथ। जो कभी कभी यूजर की क्वेरी आती है कि हाउ टू कनेक्ट प्रोजेक्टर विथ लैपटॉप। सो लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक HDMI केबल लेना है। तो ये मेरी है HDMI केबल, मैंने थोड़ी लंबी वाली ली है। सो HDMI केबल के लिए इसमें प्रोजेक्टर के अंदर दो पोर्ट दी हुई है, सी HDMI 1, HDMI 2। आप किसी के भी ऊपर लगा सकते हो। सो इट इज कनेक्टेड, सी एंड मैसेज कम्स HDMI। नाउ वी आर कनेक्टिंग सेम HDMI केबल विद माय लैपटॉप। सो केबल कनेक्टेड। वंस केबल कनेक्टेड, सी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन प्रोजेक्टर पे आ गई है। इसके पीछे रीजन क्या था कि कुछ बेसिक क्वेरीज और सेटिंग होती है जो हमें अपने प्रोजेक्टर में करनी होती है। सो सी राइट नाउ माय लैपटॉप स्क्रीन इज कमिंग ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्टर के अंदर हमें क्या सेट करना होता है। प्रोजेक्टर के अंदर जो हमें डेस्कटॉप है विंडोज का, उसके ऊपर यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, जस्ट राइट क्लिक। सो यहाँ पे है डिस्प्ले सेटिंग। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके डिस्प्ले सेटिंग में आ सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद जब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1366। सो कभी कभी कोई प्रोजेक्टर, आपका कोई भी प्रोजेक्टर हो सकता है, तो वो इतने हाई रेजोल्यूशन में सपोर्ट नहीं करता है। तो नॉर्मल HD सपोर्ट सब में होता है। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 1280x768, कीप चेंजेस। और उसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये चार ऑप्शन होते हैं। डुप्लीकेट स्क्रीन, व्हाट डुप्लीकेट स्क्रीन विल डू, सेम स्क्रीन विल अपियर ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन, दैट इज कमिंग ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन। एक्सटेंडेड डिस्प्ले, जब हमें यहाँ पे स्क्रीन अलग चाहिए हो, वहां पे स्क्रीन अलग चाहिए हो, तो हम एक्सटेंडेड करते हैं। शो ओनली वन का मतलब है कि यहां से सिर्फ एक ही आएगा, कीप चेंजेस, सी। सो अभी यहाँ यहाँ पे स्क्रीन रह गई है और वहां पे कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं इसको, सो वहां पे स्क्रीन चली गई है, बट अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर की स्क्रीन यहाँ पे आ गई है, बट मेरे लैपटॉप के ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। सो अगर मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, मेन हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डुप्लीकेट स्क्रीन, बट वी रिक्वायर्ड डुप्लीकेट स्क्रीन, सेम स्क्रीन दैट इज कमिंग ऑन लैपटॉप स्क्रीन विल अपीयर ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, सी जो स्क्रीन यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे भी आ रही है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ दोबारा। डुप्लीकेट स्क्रीन, आपका मल्टीपल डिस्प्ले के अंदर आपको जाके चूज करना है डुप्लीकेट डिस्प्ले, और रेजोल्यूशन के अंदर जाके सेट करना है 1280x768। अगर आपका लैपटॉप पे स्क्रीन में फ्लिकरिंग आ रही हो या प्रॉपर डिस्प्ले ना आ रहा हो। एक और ऑप्शन होता है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। सो ये क्या है, ये मेरे प्रोजेक्टर का डिस्प्ले नहीं है, ये मेरे लैपटॉप का इंटरनल डिस्प्ले है। सो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आ गया मेरे प्रोजेक्टर का डिस्प्ले। जब मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे डेडिकेटेड डिस्प्ले, ठीक है। सी आपने अगर एक चीज नोट करी हो, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इंटरनल डिस्प्ले पे आ रहा था 60 Hz, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चूज किया और मैंने MLR 3PRJ डिस्प्ले, जो ये प्रोजेक्टर का डिस्प्ले, जैसे इसको शुरू चूज किया, ये शिफ्ट हो गया 30 Hz पे। सो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, 30 Hz, 29, अकॉर्डिंग टू आपके मोनिटर और टीवी, बट डिफॉल्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको 30 Hz पे रखना है। रेजोल्यूशन आपने अपने हिसाब से ऑलरेडी चेंज कर लिया है। सो कीप चेंजेस, और इससे मेरा दिखा दे कि 2160p 30 Hz के ऊपर ये मेरे प्रोजेक्टर को अभी सपोर्ट कर रहा है। आई होप दिस विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ योर क्वेरी। आपका व्हाट इज रिक्वायर्ड, बेसिकली फर्स्ट सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है डिस्प्ले ड्राइवर। सो हाउ टू चेक डिस्प्ले ड्राइवर, दिस कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, सॉरी डिस्पीसी, यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिवाइस मैनेजर,
और यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर। डिस्प्ले अडेप्टर में ये मेरा इंटेल ग्राफिक दिखा रहा है, इसीलिए मेरा प्रोजेक्टर चल रहा है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड वीजीए ग्राफिक लिखा होता या मेरे डिस्प्ले का ड्राइवर नहीं डला होता या यहाँ पे कोई येलो कलर का मार्किंग होता तो मेरा डिस्प्ले लैपटॉप से प्रोजेक्टर तक जाता ही नहीं। सो पहली चीज, सेकेंड हमें अच्छी क्वालिटी की केबल यूज करनी चाहिए, और कभी कभी लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद नहीं चलता है तो फाउंड न्यू हार्डवेयर के लिए एक बार लैपटॉप को शट डाउन करके ऑन करने से भी हमारे प्रोजेक्टर का डिस्प्ले आ जाता है। सो आई होप दिस विल रिजॉल्व योर क्वेरी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।